नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Xiaomi Redmi 10 Power वर्सेस Samsung Galaxy A13 4G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Redmi 10 Power में 6.67 इंच जबकि Galaxy A13 4G में 6.5 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि Redmi 10 Power से कम है। विड्थ की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 3.01 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो Redmi 10 Power में 0.36 इंच जबकि Galaxy A13 4G में 0.35 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो Redmi 10 Power में 203 ग्राम जबकि Galaxy A13 4G में 195 ग्राम का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Redmi 10 Power में IPS LCD जबकि Galaxy A13 4G में RTFT LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो Redmi 10 Power में 20:6:9 जबकि Galaxy A13 4G में 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Redmi 10 Power में 6.71 इंचेस जबकि Galaxy A13 4G में 6.6 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Redmi 10 Power में 720x1650 और Galaxy A13 4G में 1080x2408 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Redmi 10 Power में 82.58% जबकि Galaxy A13 4G में 83.38% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Redmi 10 Power में 268 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Galaxy A13 4G में 400 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Redmi 10 Power में 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें की प्राइमरी कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और Galaxy A13 4G की बात करें तो इसमें 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें की प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Redmi 10 Power में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Galaxy A13 4G की बात करें तो उसमें 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें की 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Redmi 10 Power में Adreno 610 जबकि Galaxy A13 4G में Mali-G 52MP1 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Redmi 10 Power में Qualcomm Snapdragon 680 और Galaxy A13 4G में Samsung Exynos 8 Octa 850 मिलता है। बात करें RAM की तो Redmi 10 Power में 8GB की RAM मिलती है जबकि Galaxy A13 4G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB 6GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Redmi 10 Power में 128GB की स्टोरेज मिलती है जबकि Galaxy A13 4G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो Redmi 10 Power में अप टू 512GB जबकि Galaxy A13 4G में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो Redmi 10 Power में Android V11 जबकि Galaxy A13 4G में Android V12 देखने को मिलती है। बैटरी Redmi 10 Power में 6000 mAh जबकि Galaxy A13 4G में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो Redmi 10 Power में 2 कलर्स जबकि Galaxy A13 4G में 4 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो
Redmi 10 Power में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है जो कि 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 14,999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें Galaxy A13 4G की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं जो कि 4GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 15,999 रुपीस, 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 17,499 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की, तो दोनों फोन में 7 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में Galaxy A13 4G आगे है, मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में Redmi 10 Power आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Oppo A16K है, दूसरा Vivo Y21T है, तीसरा Realme Narzo 50A Prime है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme C31 है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।